आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चंदौली में दिखा रफ्तार का कहर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आमने सामने से दो बाइक में हुई है जोरदार भिड़ंत, जहां टक्कर में 5 लोग हुए हैं घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एलिया थाना क्षेत्र के खरौजा गांव की है ये पूरी घटना। चंदौली में दिखा है रफ्तार का कहर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आमने सामने दो बाइक में हुई है जोरदार भिड़ंत, जिसके चलते टक्कर में 5 लोग हुए हैं घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एलिया थाना क्षेत्र के खरौजा गांव की है ये पूरी घटना। इस वक्त की खबर हम आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है, जहां आमने सामने से दो बाइक में हुई है जोरदार भिड़ंत, जिसके चलते 5 लोगों के घायल हुए हैं, जहां सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? मैं लगभग रात को 9:30 बजे लोग नए साल मना के लौट रहे थे, और लौटते समय मतलब कि इतना अफवाह हो गए थे, मतलब कि थोड़ा नशीली नशा भी कर लिए थे, जिसके कारण से लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और गाड़ी में टक्कर देते ही 2 लोग घायल हो चुके हैं पूरी गंभीर रूप से, और 2 लोग को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। अजीत, जिस तरीके से घायल होने की सूचना बताई जा रही है, 5 लोगों की घायल होने की बात कही जा रही है, तो उसमें कितने लोग घायल हुए हैं और क्या किसी को और जान हानि की भी हुई है? मैम, हम आपको ये बता दें कि लगभग 3 लोग का मतलब की अभी तक इलाज दवा रफा चल रहा है, 2 लोग रेफर ही, 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल है, शायद उनका मतलब बचना हो नामुमकिन है, 2 लोग रेफर हो गए टामा सेंटर के लिए। और ये लोग आ रहे थे मतलब कि किसी हिताई में से गए थे, और वहां से आ रहे थे, आते समय एक गाड़ी से टक्कर होने के कारण ये लोग आपस में लड़े भिड़ गए, और जिसके कारण से इनकी ऐसी अफवाह हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले हुए हैं बुलंद, एसडीएम और थाना अध्यक्ष के सामने चले हैं लाठी डंडे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महिला ने एसडीएम को लाठी मारने की कोशिश की है। जमीनी विवाद को लेकर युवक ने डीएम से की थी शिकायत। मामले की जांच करने पहुंचे थे एसडीएम, जिसके चलते ये मामला हुआ है, जहां जांच के बाद एसडीएम ने झोपड़ी हटाने का दिया है आदेश। आदेश के बाद मचा है बवाल, जहां जमकर चले हैं ईंट पत्थर। मामला थाना अमृतपुर के ग्राम नगला का हुआ है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुंदरम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो सुंदरम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरा मामला? तहत 1 जनवरी को समाधान दिवस का आयोजन किया गया था तहसील परिसर में, तो जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में वहां पर पीड़ित द्वारा फरियाद लगाई गई थी, न्याय की गुहार लगाई गई थी। तुरंत ही आदेश हुआ वहां पर, और जब डीएम के द्वारा आदेश किया गया तो शाम को दलबल के साथ एसडीएम प्रीति तिवारी व थाना अध्यक्ष सुनील परिहार मौके पर पहुंचते हैं और जांच करते हैं। तो एसडीएम प्रीति तिवारी को वहां पर जमीन 3 जिसमें अधिक मिलती है, जो अवैध कब्जा था, तो एसडीएम प्रीति तिवारी द्वारा वहां पर तुरंत आदेश दिया जाता है कि अवैध कब्जे को हटाया जाए। जैसे ही वहां पर वो आदेश देती हैं, तो जो दूसरा पक्ष था जो कब्जा किए हुए था, तो वहां उनके लोग आग बबूला हो जाते हैं और लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। वहां पर एसडीएम प्रीति तिवारी के ऊपर भी एक महिला द्वारा लाठी से हमला करने का प्रयास किया गया, तो उन्हें सरकारी गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित किया गया। और दूसरा पक्ष था उसके ऊपर कब्जेदार द्वारा भयंकर हमला किया जाता, ईंट पत्थर पर लाठी डंडों की बौछार हो जाती है। पुलिस प्रशासन के सामने ही पुलिस कैसे भी करके वहां पर मामले को सुलझाती है, और भयंकर मारपीट होने के बाद 2 मजदूर भी घायल होते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। तो अब इतनी कार्रवाई होने के बाद अभी मामला कहां तक पहुंचा है, कि अभी उनको कोई निष्कर्ष निकला है या अभी नहीं निकला? जी, मामला रात तक लीपापोती में लगा हुआ था, फिर राजस्व विभाग की टीम के द्वारा वहां पर तहरीर के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है, लेकिन अभी कोई किसी प्रकार की बड़ी कार्रवाई वहां पर संज्ञान में नहीं आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
जमीनी विवाद को लेकर युवक ने डीएम से की थी शिकायत, जिसके चलते मामले की जांच करने पहुंचे थे एसडीएम। उन्हीं के आगरा में रेडीमेड कपड़े के शोरूम में लगी है भीषण आग। इस वक्त की बड़ी खबर, आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया है काबू। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका बताई जा रही। मंटोला के बिजली घर मदीना तिराहे की है ये पूरी घटना। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आगरा में रेडीमेड कपड़े के शोरूम में लगी है भीषण आग। आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया है काबू। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। तो ममता, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरी घटना? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि आगरा की ये थाना मंटोला क्षेत्र के बिजली घर मदीना किराए की ये पूरी घटना है, जहां ये रेडीमेड कपड़ों का ये शोरूम था आरके स्टोर के नाम से। यहां विगत रात तो एक भीषण आग लग गई। जब आग को देखते हुए जो आसपास के जो दुकानदार थे उनमें दहशत का माहौल हो गया। दुकान बंद थी उस समय, तो वहां जो आसपास के जो कुछ लोग मौजूद थे वहां उन जब आग को देखते हुए उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना और स्थानीय थाने को सूचना दी गई, जिससे मौके पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय थाना मौके पर पहुंच गया। लेकिन पूरे बड़ा मशक्कत के साथ में उस आग को दर्जनों गाड़ियों के आधा दर्जन गाड़ी लगभग जो फायर ब्रिगेड की थी वहां पहुंच चुकी। बड़ा बमुश्किल उस आग पर काबू पाया गया जी। ममता, आग लगने का क्या कारण बताया जा रहा है? अचानक से इस तरीके से जो आग लगी है उसका क्या कारण निकल के सामने आया है? बिल्कुल श्वेता, जिस तरह की आग के कारण की अगर हम बात करें तो आग का फिलहाल कोई स्पष्ट कारण अभी निकल के नहीं आ पाया है। अभी कंफ्यूजन में है पूरा मामला कि मतलब क्या शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या फिर कोई और कारण है जी। जी, और ममता ये है कि जितना जिस तरीके से आग देखने के लिए दिखाई जा रही है, जिस तरीके से आग लगी है उसमें भारी नुकसान की भी बात की है, तो नुकसान क्या हुआ है, क्या ये चीज मालूम चल पाया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जैसा कि जिस तरह आग की जो लपटें हैं वो जो पूरी तरह जो आग में पूरा दुकान का जो सामान है रेडीमेड कपड़े थे लाखों की के आंकड़े में लाखों की तादाद में उसका आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरह पूरा शोरूम भरा हुआ था और न्यू ईयर का समय था और काफी माल था उसके अंदर जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो आगरा से में रेडीमेड कपड़े के शोरूम में लगी है भीषण आग, जिसके चलते आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तिकुनिया मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तिकुनिया मामले में किसान पक्ष के दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जहां कमलजीत सिंह और सोनू की हुई है गिरफ्तारी। तिकुनिया मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तिकुनिया मामले में किसान पक्ष के दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कमलजीत सिंह और सोनू की हुई है गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।